स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपके बीच धातु और अधातु के का चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसको आप जो है ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाए। तो कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ और किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, तो अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दे सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए और समझा जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप क्या आप पदार्थ के बारे में लिख दिया है। सर, आप ये क्वेश्चन जरूर पूछ दोगे कि आपने डायरेक्ट पदार्थ के बारे में क्यों लिखा, जब मेटल और नॉन मेटल्स हम पढ़ेंगे तो आपने इसके बारे में क्यों लिखा, क्या कारण है इसके बारे में लिखने का। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो पदार्थ है वो दो भागों में बटा है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में बटा है। और शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में जो बटा, तो शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे उसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि शुद्ध पदार्थ को देखिए मैंने तत्व यौगिक में बांटा इस प्रकार से, ये आगे की तरफ बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि शुद्ध पदार्थ को जानना जरूरी है। और धातु जो होते हैं वो एक शुद्ध पदार्थ है। दोस्तों, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मे बी कि मेरा फेस जो है आपको साफ से ना दिख रहा हो, लेकिन आशा जरूर करूंगा कि आपको जो है लिखा हुआ वो लगभग समझ में आए और साथ में मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ज़रूर सुनेंगे ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर क्लियर हो। इस चैप्टर में आपका सहयोग हमारे लिए भी लाभकारी है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर डालेंगे, और नए अगर आप यूज़र हैं मेरे चैनल पर आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ में इस चैनल पर केवल ये नहीं कि साइंस के वीडियोस अपलोड होते हैं, हर फील्ड के वीडियोस को अपलोड मैं इस चैनल पर करता हूं जो कि एजुकेशन से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखता है। तो आइए चलते हैं, समय ना गंवाते हुए पुनः आगे बढ़ते हैं। ये रिक्वेस्ट जो है बीच बीच में मैं इसलिए कर देता हूँ कि लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, साथ में लाइक करने के लिए। तो खैर, तो आप ये बोल रहे थे सर कि ये जो आपने यहाँ पर बताया कि नहीं पदार्थ जो होते हैं पदार्थ को बांटा, हमें तो पढ़ना था मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु। आपने पदार्थ से स्टार्ट किया तो पदार्थ को जानना भी जरूरी है। पदार्थ को जानने के लिए आप समझ जाइएगा 9th क्लास में डिफिनेशन है इसका, 6th क्लास में भी डिफिनेशन है। पदार्थ जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान होता है, जो रुकावट डाल सके, जिसे आप अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक तो आप जानते हैं पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को समझते हैं, शुद्ध पदार्थ केवल एक टाइप के परमाणु या अणुओं से मिलकर के अगर बना होता है तो उसे कहते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ। और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वह दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण हो सकता है, असमांग मिश्रण हो सकता है इस तरह से, यानी कि मिश्रण जो एग्जाम्पल होगा वह अशुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल में आएगा। अब चलिए जानते हैं हम लोग तत्व। देखिए अभी तक प्राप्त जो तत्व हैं वो उसकी संख्या जो है वो 118 के आसपास जो है तत्व की संख्या है, जिसको कि हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, इतना संख्या है। अब 118 एलिमेंट सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि एलिमेंट किसे कहते हैं, तो एलिमेंट जो है साधारण सा मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, हो सके तो आप पॉज करके उस डेफिनेशन को ज़रूर लिख लीजिए। और जब कभी भी वीडियो देखा करिए दोस्तों तो ईयरफोन ज़रूर लगाइए। ईयरफोन लगा लेने से क्या होता है कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो रहेगा। तो खैर, तत्व का डेफिनेशन है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और जिसे किसी सरल यांत्रिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात इसे आप दो या दो से अधिक भागों में तत्व को आप तोड़ नहीं सकते हो किसी सरल यांत्रिक विधि के द्वारा, हथौड़ा मार करके, गर्म करके, इस तरह से आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, आसानी से तो नहीं तोड़ सकते, ठीक है, तत्व को। और यह केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि सोने के आभूषण का, तो सोना जो होता है वह एक तत्व है और सोना में केवल सोने के ही क्या होंगे, परमाणु होंगे, छोटे छोटे जो कण होंगे वो परमाणु जो होंगे वो सोने के ही होंगे,
ये नहीं कि उसमें लोहा मिला हुआ होगा या अन्य चीजें मिली हुई होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, शुद्ध सोना जो है वो केवल और केवल सोने के ही परमाणु से मिलकर के बना होगा। अब इसे तीन भागों में बांटा गया, मैं यहाँ पर तीन भागों में बांटा हूँ और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, भले ही मैं हम लोग पढ़ेंगे दो धातु और अधातु के बारे में, लेकिन जानकारी रहना चाहिए। किसी किसी बुक में तो इसे चार भागों में भी बांट दिया गया है, वो मैं बता देता हूँ। धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैस को अलग से कर दिया गया है, अक्रिय गैस यानी कि नॉबल गैस को अलग कर दिया गया। लेकिन फिलहाल हम लोगों को जो है नॉलेज रहना चाहिए इन सब बातों का, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं, समझते हैं कि ये जो धातु होता है वो क्या होता है। देखिए, धातु की कुल संख्या जो अभी बताई जा रही है कि कुल संख्या धातुओं की कितनी है, वो 80 से अधिक तत्व जो है वो धातु की कैटेगरी में आते हैं, 80 से अधिक। अब उसमें से धातुओं को भी कैटराइज किया गया है कि कौन से धातु क्षारीय धातु होंगे, क्षारीय मृदा धातु होंगे, भारी धातु होंगे, संक्रमण तत्व की श्रेणी में जो धातु संक्रमण धातु जो होते हैं वो आएंगे, इस तरीके से बांटा गया है। तो खैर, उन सब बातों को नहीं यहाँ पर देखना है, देखना है कि कुल जो है अभी जितने तत्व हमें प्राप्त है उसमें से 80 से अधिक, कुछ 80 से अधिक जो है वो धातु की श्रेणी में आते हैं, वे तत्व 80 से अधिक तत्व जो है वो धातु की श्रेणी में आते हैं, उसके जैसा नेचर दिखला रहे होते हैं। उसके बाद आता है अधातु। अधातु के जो संख्या है वह बताई जाती, मैं यहाँ पर 18 लिखा हूँ कि 18 कुल जो है अधातुओं है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बुक में अगर आप बुक में देखिएगा तो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग जानकारी दी गई है। एक दो बुक में आप देखिएगा कि 20 से 22 के बीच में जो है अधातुओं की संख्या बता दी है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ जो धातु या अधातु होते हैं उसमें डबल टाइप के नेचर पाए जाते हैं, और जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो अधातु है तो वो गैस गैस की कैटेगरी में वो आता है, लेकिन उसका जो नेचर होता है वो अलग अलग टाइप से प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रकार से हमारे पास जो है कार्बन है, कार्बन अधातु है, लेकिन इसका नेचर अलग अलग प्रस्तुत करता है लोग। तो खैर, तो आपको आपको बी ये 18 से लेकर के 20 तक की इसकी संख्या में अधातु को दिखाया जाएगा। आप ये बोलोगे कि नहीं, डायरेक्ट बताइए कितनी कितना इसकी संख्या होती है, तो अलग अलग मैंने बताया कि अलग अलग बुक में अलग अलग रेफरेंस दिया रहता है। आप NCERT बुक पलटाएंगे तो उसमें आपको 18 की संख्या में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आता है उपधातु। तो उपधातु जो होते हैं उसकी संख्या, यहाँ पर मैंने उपधातुओं के कुछ एग्जांपल्स प्रस्तुत किए हैं कि इसकी कुल संख्या जो है वो 6 है, 6 संख्या में है ये, जिसमें कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरॉन और एल्यूरियम है। अब ये उपधातु क्या होते हैं? तो जिसमें धातु का नेचर और अधातु का नेचर दोनों पाया जाता है वो उपधातु की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें से अर्धचालक के रूप में मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है, अर्धचालक के रूप में, सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि धातु किसे कहते हैं, आप धातु को डिफाइन करिए। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो को समझने के लिए आपको ईयरफोन ज़रूर लगाइए, ताकि मैं लगातार मैं बताते रहता हूँ तो रिदम आपका ख़राब नहीं होगा और आपको जानकारी मिलेगी, परफेक्ट जानकारी मिलेगी, और जिससे कि आप क्या हो सकते हैं एग्ज़ाम में मेरे वीडियोस को देख करके भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो खैर, अब मैं बताता हूँ आपको धातु के बारे में। तो धातु के भौतिक गुण के आधार पर इसका जो है इसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें चमक का गुण होता है। धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, धातु प्रायः जो है वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। आपने एल्युमिनियम, आपने सोना का नाम सुना है, आपने चांदी का नाम सुना, ये सभी क्या है, धातु हैं, और ये सभी क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। तो उसके बाद क्या इसका नेचर होगा, तो दूसरा नेचर है इसका कि कठोरता, ये जो है ना कठोर भी पाए जाते हैं, इसमें कठोरता का नेचर पाया जाता है। कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो कि कठोर हैं, तो वैसे धातु कौन कौन से जो कठोर है तो बताएंगे, बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि लोहा कठोर धातु में आता है, आप देखेंगे लोहे का हथौड़ा बनता है। उसके बाद आप कठोर धातु की श्रेणी में रहिएगा तो कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, ये सभी क्या है, कठोर धातु। लेकिन कुछ ऐसे धातु भी हैं जो कि चाकू से भी कट सकते हैं,
ये भी याद रखेंगे आप लोग, कौन कौन से ऐसे धातु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सोडियम का नाम बता सकते हैं कि सोडियम को आप जो है चाकू से काट सकते हो, आप पोटेशियम को चाकू से काट सकते हो, कहीं कुछ हद तक आप जो है मैग्नीशियम को खरोच सकते हो, मैग्नीशियम का फीता होता है जिसको कि आप आसानी से जो है चाकू से काट सकते हो। लेकिन दो तत्व जो है, जो जो धातु हैं जो मैंने बताया आपको, सोडियम और पोटेशियम, इसको आप चाकू से आसानी पूर्वक काट सकते हो। तो ये क्या है, ये धातु है लेकिन इसमें कठोरता का नेचर नहीं पाया जाता, ये कठोर नहीं होते हैं। अब इसमें और कौन सा नेचर पाया जाता, ये विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं, यानी कि धातु जो होते हैं वो विद्युत के और उष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। यदि इससे इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट इससे फ्लो होता है, और इसे जब हिट किया जाता है तो ये गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। इसके बाद इसका नेचर क्या होता है, तो ये आघातवर्ध होते हैं और तन्य भी होते हैं। आघातवर्धता क्या होता है वो समझिए, जैसे कि आप किसी धातु को पीटोगे तो पीट पीट करके यदि उसका चादर मुआ बन जाए, जैसे कि आपने टीने का चदरा का नाम चदरा सुना होगा, तो टीने का जो चदरा होता है वो टीने को लोहे को पीट पीट करके बनाया जाता है, तो लोहे को पीट करके जो बनाया गया उसे टीना ऐसे कहने लगते हैं। तो ये किससे बना, लोहे को पीट पीट करके बनाया है, जिसका मतलब वो आघात वर्ध है। जिसको चादर नुमा पीट पीट करके जिस धातु को बना सकते हैं, इसमें आघात वर्धता का गुण पाया जाता है और धातुओं में ये गुण पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है तन्य। तन्य क्या होता है, तन्य देखिए ये है कि आप धातु को अगर खींचोगे तो तार नुमा बने, तो ऐसे कौन से धातु हैं जो कि इस तरह से देखे होइएगा, आप कॉपर के तार बनते हैं, आप एल्यूमिनियम के तार के बारे में सुने होंगे, आप चांदी के तार के बारे में भी सुने होंगे, और आप सोने के तार के बारे में भी सुने होंगे। इसका मतलब ये तन्य होते हैं, तभी तारनुमा बन सकता है, नहीं तो ये नहीं बन सकता, टूट जाएगा ये, जैसे अधातु टूट जाते हैं। अब इसके बाद अलावा कौन सा नेचर है जिसको कि हम समझ सकते हैं, तो देखिए कहीं कहीं पे भौतिक में ही इसे बताया जाता है कि वे तत्व तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में जो है वो एक से लेकर के तीन इलेक्ट्रॉन तक पाए जाते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि धातु आप किसे कहते हैं। अब आते हैं अधातु के ऊपर, तो अधातु में जस्ट रिवर्स होता है कि अधातु वे होते हैं जो आघातवर्ध नहीं होते, यानी कि भंगुर होते हैं, ये एक हथौड़ा मारिए चूर चूर हो जाए, इस तरीके का। जैसे कि आप देखिए कोयला जो होता है वो कार्बन का बना होता है, एक हथौड़ा मारिए टूट सकता है वो, तो यहाँ पर क्या है, उसमें भंगुरता का नेचर पाया जाता है। वो तन्य नहीं होते, यानी कि उसका आप तार नुमा नहीं बना सकते, वे विद्युत के चालक नहीं होते और उष्मा के भी चालक नहीं होते हैं, यानी कि उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है, और उसको आप जब गर्म करोगे तो वो गर्म भी नहीं होगा। लेकिन अपवाद में आता है ग्रेफाइड, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी करेंट फ्लो होता है। और अपवाद में आता है आपका चमकीला में, कि ये धातु प्राय चमकीले नहीं होते, लेकिन अपवाद में आता है आपका आयोडीन जो कि चमकीला होता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ लिया, और मैंने उपधातु के बारे में पहले ही बता दिया। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर देंगे, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।